रंगदारी की शिकायतों के बाद नागपुर पुलिस ने तृतीयपंथियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसके तहत एक दुकानदार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर तहसील पुलिस ने 3 तृतीयपंथियों के खिलाफ रंगदारी का एक और मामला दर्ज किया है। पुलिस से मिली शिकायत पर कार्रवाई करते हुए जिया राजपूत, जोजो जॉन, ललिता मडावी को हिरासत में लिया है। तीनों मानकापुर झोपड़पट्टी परिसर में रहते हैं। नागपुर पुलिस आयुक्त के आदेश अनुसार पैसे की मांग करते समय जबरदस्ती करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर रंगदारी की शिकायतों के बाद नागपुर पुलिस ने तृतीय पंथियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। दुकानदार की शिकायत पर तहसील पुलिस ने 3 तृतीय पंथियों के खिलाफ रंगदारी का एक और मामला दर्ज किया है। आरोपियों में जिया राजपूत, जोजो जॉन और ललिता मडावी समावेश है। तीनों मानकापुर झोपड़पट्टी परिसर में रहते हैं। नागपुर पुलिस आयुक्त के आदेश अनुसार पैसे की मांग करते समय जबरदस्ती करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उसके बाद भी आरोप है कि ये तीनों दुकानों पर गए और जबरन पैसे मांगे। गुरुवार की दोपहर 3:30 बजे के करीब इतवारी के किराना ओली इलाके में घूमकर दुकानदारों से पैसे मांग रहे थे। इतवारी के लाड़पुरा निवासी आरजब डोनगांवकर का इसी इलाके में हरियन मेवा और किराना भंडार नाम से प्रतिष्ठान है। तीनों उसकी दुकान पर पैसे मांगने आए। उन्होंने 50 रुपए की मांग की, लेकिन प्रशांत ने 20 रुपए की पेशकश की, लेकिन तृतीय पंथी 50 रुपए लेने पर डटे रहे। जब दुकानदार ने पैसे देने से मना किया तो उसे धमकी देते हुए कहा गया कि अगर पैसा नहीं दिया तो तुम्हारा हाल बुरा होगा। प्रशांत ने इसका वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर नागपुर पुलिस को टैग कर दिया। पुलिस ने प्रशांत की शिकायत के आधार पर रंगदारी का मामला दर्ज कर लिया है। इतवारी किराणावळी येथे एक जी फिर्यादी आहे ते दुकानात काम करीत होते। काम करीत असताना येथे 3 तृतीयपंथी जे आहेत ते त्यांच्या दुकानात आले आणि त्यांची इच्छा नसताना देखील जबरदस्तीने पैसे मागितले, जबरदस्तीने पैसे घेतले। अशा प्रकारे त्यांनी जो आहे तो IPC 384 प्रकार केला आणि माननीय पोलीस आयुक्त असो यांचे जे कलम 144 जो आदेश आहे त्या आदेशाचे देखील उल्लंघन केले, म्हणून कलम 188 IPC त्यांना त्यांच्यावर लावण्यात आले। जे 3 तृतीयपंथी आहेत त्यांचे नाव आहे जोजो, ललिता आणि जिया, असे तिघींची नावं आहेत। त्यांच्यावर वरील कलमान्वये कारवाई करण्यात आली आणि वेळोवेळी त्यांना सूचनासुद्धा देण्यात आल्या होत्या की बाबा असला प्रकार करू नये, कारण सिग्नलवर आणि इतर ठिकाणी जबरदस्ती पैशाची मागणी करते, त्यामुळे बऱ्याच लोकांना यावरून उपद्रव होतो, म्हणून माननीय पोलीस आयुक्त साहेबांनी तसा आदेश देखील जारी केलेला आहे। परंतु तोच प्रकार इथे करण्यात आल्यामुळे या कलमान्वये त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला। हो, म्हणजे पैसे जर दिले नाही तर तुझं वाईट होईल अशा प्रकारचं आणि इतर वक्तव्य करून तो प्रकार करण्यात आला। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्षय अंसारी, BCN न्यूज़, नागपुर।